हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 के 3 और 4 को हल देखते हैं। तो देखिए, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या बताया गया है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि 4 विकल्प दिया हुआ है, उनमें से किन्हीं एक विकल्प जो है सही होगा और 3 गलत होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ sin 2a = 2 sin a है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कहने का अर्थ है कि a का मान दोनों जगह जो है बराबर रखना है, सेम रखना है। 4 विकल्प में से कोई मान रखिए और बराबर कीजिए। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ लिखते हैं जैसे a बराबर, a के स्थान पर पहले 0 डिग्री रखते हैं, फिर 30 डिग्री रखते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री रखते हैं, a का मान कितना है 0 डिग्री, पहला ऑप्शन यही है और शुरुआत भी यहीं से होता है 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 रख दिए हैं, a का मान कितना डिग्री 0 डिग्री। तो यहाँ देखिए, तो साइन है तो साइन लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ गुना लिखेंगे, a के स्थान पर कितना रखेंगे तो 0 डिग्री, बराबर है तो बराबर, यहाँ 2 गुना साइन तो साइन लिख देंगे, और गुना a के स्थान पर कितना रखेंगे तो 0 डिग्री। अब देखिए, तो यहाँ साइन है तो साइन लिखेंगे, 2 गुना 0 तो ये हो जाता है 0, 2 गुना 0 यानी 0, बराबर में देखिए तो 2 है तो 2, गुना है तो गुना, यहाँ साइन गुना छोड़ दीजिए, यहाँ 0 बैठा देते हैं एक स्थान पर, या वही बात हुआ। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है। साइन 0 डिग्री का मान यहाँ 1 हो जाएगा, देखिए तो, और फिर 2 गुना 1 को करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन 2 गुना 0 करते हैं तो यहाँ 0 हो गया, और साइन 0 डिग्री के मान की बात करेंगे, देखिए तो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 होता है, गलती हो गया। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है 0, तो यहाँ 2 गुना 0 करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, और साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी कि 0 = 0। तो यहाँ a के स्थान पर कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री, तो यहाँ जो है 0 डिग्री पर दोनों पट्टी बराबर हो गया, जो कि विकल्प संख्या a में दिया हुआ है, तो यानी 0 डिग्री। तो a के मान 0 डिग्री रखे और दोनों जगह क्या हो गया बराबर, तो यही इस प्रश्न का आंसर था। फिर हम लोग देखते हैं 2 के 4 नंबर, तो यहाँ देखिए, तो 2 के 4 में क्या करना है, यहाँ 2 है तो पहले 2 लिखते हैं, tan 30 डिग्री का मान लिखना है, तो यहाँ इंटू मतलब गुना, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दिए, बटा लिख दिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3, और ये क्या करते हैं यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाता है 2, और बटा के नीचे √3, फिर ये मेन बटा है, और यहाँ देखिए तो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा यानी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना 3, तो 3 लिख दिए। अब देखिए तो नहीं कुछ, तो नीचे 1 हो जाएगा, फिर देखिए 2/√3 है तो 2/√3, और यहाँ 1 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो ये हो जाता है 3, 1 और 3 का LCM लेते हैं तो हो जाता है 3, 1 से 3 में भाग देना है तो भागफल कितना आएगा 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाता है 3, माइनस है तो माइनस, फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाता है 1। अब यहाँ 2/√3 है तो यहाँ लिखेंगे 2/√3, फिर मेन बट्टा, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ हो जाता है 2, और फिर बट्टा में 3। अब देखिए, तो यहाँ 2/√3 लिखते हैं, और ये मेन बट्टा है यानी भाग में है, भाग से जब गुना में ले जाते हैं तो संख्या उलट पुलट जाता है, तो नीचे 3 है तो ऊपर 3 हो जाएगा, और ऊपर 2 है तो नीचे 2 हो जाएगा। अब देखिए, 2 से 2 क्रॉस गुना में कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 3, तो यहाँ लिखते हैं ऊपर 3 हो गया और नीचे कितना है √3, तो √3 लिखेंगे। अब देखिए, तो 3 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, अब बट्टा में कितना है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा कितना √3। अच्छा, यहाँ आपको ध्यान देना है, जैसे 3 के स्थान पर √3 गुना √3 कैसे आया, तो यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिए,
जैसे यहाँ लिखते हैं रूट तीन गुना रूट तीन, तो रूट तीन गुना रूट तीन तो ये हो जाता है रूट नौ, और रूट नौ का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है तीन, यानी तीन के स्थान पर लिख सकते हैं रूट तीन गुना रूट तीन, तो यही लिखे हैं। रूट थ्री से रूट थ्री को कट गया, बच गया रूट थ्री, और रूट थ्री किसका मान है ये चार विकल्प में से आपको देखना है। तो ये चार विकल्प में से देखें तो रूट थ्री जो है टेन साठ डिग्री का मान होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी टेन साठ डिग्री हो गया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।